किस देश में है मुर्गन स्वामी की सबसे ऊंची प्रतिमा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दुनिया में अनेक देश हैं जहां हिंदू संस्कृति की झलक देखने मिलती है। मलेशिया भी इन देशों में से एक है। मलेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां आधिकारिक धर्म इस्लाम है, लेकिन फिर भी यहाँ कई हिंदू मंदिर हैं। थाईपुसम में यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। थाईपुसम का जो त्यौहार है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा के रूप में विशेष तौर पर मनाया जाता है। थाईपुसम के दौरान मलेशिया में हिंदू धर्म और संस्कृति की झलक देखने लायक होती है। ये उत्सव क्यों मनाते हैं ये आपको बताते हैं, इसके बाद इसकी पौराणिक कथा के अनुसार क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम के एक महापराक्रमी राक्षस था जिसके वध पर सिर्फ शिव पुत्र के हाथों ही संभव था, और तारकासुर को कई बार मारने का प्रयास किया गया लेकिन वो अपनी मृत्यु को टालने में सफल रहा। अंत में शिव पुत्र कार्तिकेय यानी मुर्गन स्वामी ने उनका वध कर दिया। इसी खुशी में देवताओं ने उत्सव मनाया, उसे आज थाईपुसम के रूप में मनाया जाता है मलेशिया में, और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी कहते हैं। मलेशिया में आयोजित होने वाले थाईपुसम त्यौहार में लाखों तमिल श्रद्धालु शरीक होते हैं। ये त्यौहार 10 दिनों तक चलता है जिसका समापन माघी पूर्णिमा के दिन होता है। मलेशिया में कुआलालंपुर के पास बातू गुफा में थाईपुसम का जोरदार उत्सव होता है। यहाँ का त्यौहार 1892 से मनाया जाता रहा है, यानी लगभग 130 साल हो चुके हैं इस त्यौहार को मनाते हुए। उत्सव के दौरान लाखों लोग बातू गुफा के नीचे बने मुख्य द्वार से गुजरते हैं, भगवान मुर्गू की जो विशाल प्रतिमा है उसके दर्शन करते हैं, यानी भगवान मुर्गुन से ही जुड़ा है ये त्यौहार। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित बातू गुफा के प्रवेश द्वार पर भगवान मुर्गू की जिस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं वो बहुत विशाल प्रतिमा है। 42.7 मीटर यानी लगभग 140 फीट लंबी ये प्रतिमा है। इस प्रतिमा में भगवान मुर्गुन शांत मुद्रा में हाथ में भाला लिए हुए खड़े हैं। भाला भगवान मुर्गुन का प्रिय अस्त्र है। ये मलेशिया में किसी हिंदू देवी देवता की सबसे ऊंची प्रतिमा और मूर्तिकारों द्वारा इसे बनाने में 3 साल लगे थे ऐसी जानकारी दी जाती है। इस मूर्ति को बनाने में 350 टन स्टील का उपयोग किया गया है। थाईपुसम के दौरान सभी भक्त अलग अलग तरीकों से भगवान मुर्गुन को खुश करने की कोशिश करते हैं। कई श्रद्धालु कांवड़ लेकर जाते हैं, कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपने माथे पर दूध का बर्तन लेकर चलते हैं, कुछ लोग सिर मुंडवाते हैं, कुछ भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर में धातु की पतीली नुकीली खूंटियां धसाते हैं। इन खूंटियों में धातु के छोटे बर्तन और नींबू भी टंगे होते हैं जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं। कुछ भक्त भाले जैसी दिखने वाली एक छोटी खूंटी भी अपने दोनों गालों के आर पार करते हैं, यानी भगवान को खुश करने के लिए तरह तरह के जो एक तरीके से कह लीजिए उपाय या जुगत लगाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी समय एक महाबलशाली दानव था, उसका नाम इंद्रुबन था। एक बार एक ऋषि ने इंद्रुबन को कांवड़ उठाने को कहा। उस कांवड़ के दोनों सिरों पर दो पहाड़ियों को बांधा गया था और रस्सी की जगह सांप थे। इंदुबन ने उस कांवड़ को उठा तो लिया, लेकिन जब वो आराम करने के लिए रुका तो एक युवक उस पहाड़ी पर आकर बैठ गया। उसके पास इंदुबन से उठा नहीं गया। इस पूरी घटना के बाद इंदुबन और उस युवक में भयंकर युद्ध हुआ। युवक ने इंदुबन को हरा दिया। वो युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान मुर्गुन थे। भगवान मुर्गुन ने घोषणा की कि जो भी भक्त कांवड़ उठाएगा उसे पुण्य मिलेगा, ऐसी मान्यता है, इसलिए यहाँ ऐसे पूजन अर्चन किया जाता है। मलेशिया का ये भव्य मंदिर और इसकी भव्य प्रतिमा दुनिया भर में चर्चा का विषय है। ये और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।